हेलो गाइज वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिटी गेम के बारे में तो यूनिटी गेम क्या होता है और यूनिटी आई को हम कैसे क्रिएट करते हैं वो सारा स्टेप हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले तो सबसे पहले हम बता देते हैं यूनिटी के बारे में तो यूनिटी की जो आई होती है वो आपको जनरेट करना होता है अगर आप फर्स्ट टाइम से बिगिनर से आपको नहीं पता है कि कैसे यूनिटी की आई को क्रिएट करते हैं कैसे उसके अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो सारा स्टेप हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है यूनिटी का तो यूनिटी का जो आई होता है आपको वही रिक्वायरमेंट होती है उसमें कोई भी आपको बैनर इंटरशियल या फिर रिवॉर्डेड ऐड आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपको एप्लीकेशन में तो आपको मेनली जो यूनिटी की आई होती है यानी कि गेम की आई होती है बस वही आपको चाहिए होता है उसको आप कैसे जनरेट करेंगे वो आपका कंप्लीट टोटल मैंने इस वीडियो में आपको बहुत डिस्कस किया हुआ है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अपने गेम यूनिटी आईडी को हम क्रिएट करते हैं तो मेरीली जो गेम यूनिटी आईडी जो होती है उसमें आपकी जो रिवेन्यू होती है काफ़ी अच्छी होती है जो कि एडमोब से भी अच्छी होती है उसमें आपका एड लिमिट ज़्यादा लगने के चांसेस कम होते हैं तो जो आपका एड मोव होता है वो एडमोव होता है उसमें आपका जो एड लिमिट होता है बहुत जल्दी लग जाता है तो अगर आपका ट्रैफिक अगर मेंटेन है तो उसमें ज़्यादा ऐड एड लिमिट जल्दी से लगता नहीं है तो पहले आपका एडमोव में बस यही रहता है कि आप उसमें जो ट्रैफिक है ट्रैफिक को मेन्टेन किए रहेंगे तो बेस्ट रहेगा तो फिलहाल हम यहाँ पर यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो यूनिटी के बारे में हम बात डिस्कस करेंगे और कैसे उसकी आई को जनरेट करना है उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसमें मोनिटाइजेशन का सेटअप कैसे करना पेमेंट में थोड़ी सारा चीज हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन आते हैं हैं और इसको हम क्रिएट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको यूनिटी एड क्रिएट करने से पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना यहाँ पे आईडी यूनिटी जैसे टाइप करते हैं यहाँ पे आईडी यूनिटी का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगा ओपन हो गया इसके बाद आपको यहाँ पे लॉग इन विथ गूगल कर लेना है जो कि ईजिली लॉग इन हो जाता है आपको अपने मेल आई डी एंड पासवर्ड से लॉग इन कर लेना है जिस भी से भी बनाना चाहते हैं फिर आपका देख सकते हैं हमारा अकाउंट सेटिंग यहाँ पर सारा आपका अकाउंट सेटिंग आ जाएगा इसके बाद आपको यूनिटी डैशबोर्ड बोर्ड पर सिंपली क्लिक कर देना है यहाँ पे हमारा लॉग इन हो चुका इसके बाद आपको डैशबोर्ड में जाने के बाद एक बार और लॉग इन करना होगा आपको सिंपली यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर देना है तो यहाँ से हम साइन इन कर लेते हैं साइन इन हो जाने के बाद यहाँ पे आपका इस डैशबोर्ड बोर्ड ओपन हो जाएगा सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लेना है जैसे आप यहाँ पर एकप्ट क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपका यूनिटी का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा आप देख सकते हैं काफ़ी चेंजेस हो चुकी है तो इसका अपडेटेड वर्जन है ये तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बता दिया है कि कैसे कैसे सारी चीज़ें करना है तो आप वीडियो को स्किप ना करें सारे स्टेप देखते रहें तो यहाँ से हमारा जो डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और इसके बाद हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको सिंपली और यहाँ पर क्लिक करना है तो पहले हम एक बार डैशबोर्ड आपको फिर से दिखा देते हैं तो जैसे यहाँ पर डैश क्लिक और डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड वाला पार्ट है यहाँ पे ओपन हो जाता है कुछ इस टाइप का है जो कि काफ़ी अपडेट हो चुका है फिलहाल उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम सिंपल यहाँ पे ऐड कर देना है तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया अपने प्रोजेक्ट का नेम नीचे वाले हैं उसको आप आई डिफॉल्ट होने दे सकते हैं नो है तो नो कर सकते हैं इसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो मेरा जो ऐप है थर्टीन प्लस है तो इसलिए मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक किया इसके बाद आपको देख सकते हैं जो आपका प्रोजेक्ट अभी जस्ट आपने क्रिएट किया तो यहाँ पे आ चुका आ चुका और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पॉपअप मैसेज आएगा इसको आप कट कर दीजिए नीचे देख सकते हैं लाइक यहाँ पे एनालिटिक का पार्ट मोनिटाइजेशन जब यहाँ पे आपका कुछ भी रेवेन्यू जनरेट होगा तो यहाँ पे शो के आएगा तो फिर से आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे पेमेंट मेथड है तो पेमेंट मेथड आपका यानी कि जितना भी रेवेन्यू आपका जेनरेट होकर आएगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ परचेज सर्विसेज यानी कि आपको पेमेंट मेथड ऐड करना होता है जब आपका कुछ बैलेंस हो जाता है तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे मैंने क्लिक किया इसको अभी यहाँ पर कट करते हैं इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड को क्रिएट करना होता है तो अभी ऐड हम आपको बताएंगे कैसे क्रिएट करना है फिलहाल आपको फिर से प्रोजेक्ट पर जैसे यहाँ पर आते हैं उस प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट किए इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक like यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम प्रोजेक्ट का आइकन और प्रोजेक्ट की जो आईडी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का आइकन आप, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं ओके फिर यहाँ पे बिलिंग ओवरव्यू पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जितना भी बिलिंग आपका हुआ रहेगा वो यहाँ पे शो होगा तो फिलहाल अभी हमारा कुछ नहीं हुआ है तो इस वजह से अभी यहाँ पे कुछ नहीं है फिर आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन एंड इनेबल एड्स पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है यहाँ से हम अपने ऐड को क्रिएट कर रहे हैं जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना होता है तो यहाँ पे मेडिएशन पार्टनर है यानी कि आप यहाँ पे आई एम नॉट यूजिंग मेडिएशन ओनली यूनिटी एड्स अगर आप सिर्फ यूनिटी ऐड लगाना चाहते हैं कोई मेडिएशन नहीं करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल हम कोई इसमें मेडिएशन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे यूनिटी ऐड को लगाना चाहते हैं फर्स्ट वाले को आपको नो पे क्लिक कर देना है क्योंकि हमारा फ्रेश है इसके बाद आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है और सॉरी यहाँ पे आई एम नॉट यूजिंग मेडिएशन ओनली यूनिटी एड्स इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है फ़र्स्ट वाले को क्योंकि इसमें हम कोई भी मेडिएशन अभी नहीं कर रहे हैं और अगर आपका ऐप आप ऑलरेडी प्ले स्टोर पर लाइव है या फिर उसमें एग्जिस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको जो फर्स्ट वाला है उस पर ऐस करना है फिलहाल आप इस पर टिक कर लेना है ठीक है ऐसे आपको दोनों सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे यहाँ पे आपको स्टोर आई डी है ये ऑप्शनल है अगर आपका प्ले स्टोर ऐप लाइव है प्ले स्टोर पर आपका एप्लीकेशन तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अदरवाइज़ बाद में भी ऐड कर सकते हैं अभी हम आपको उसको भी बताएंगे ओके पर अभी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट हो प्रोजेक्ट है वो आपका क्रिएट होके आ चुका जैसे क्रिएट होके आएगा यहाँ पे कुछ पॉपअप मैसेज आता है इसको कट कर देना है और यहाँ पे एक चीज़ होता है जो कि बैनर आईडी एंड इंटरशियल आईडी डी आईडी आई आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें जो प्रोजेक्ट की आई होती है बस वही आपको ऐड करना पड़ता है तो आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे आप जैसे सेटिंग पे जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप प्ले स्टोर के ऐप ऐप स्टोर के लिए है एंड अगर एप्पल का कोई आपका ऐप आप स्टोर है वो कर सकते हैं ले सकते हैं आईडी डी फिलहाल यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर है इसको हम आईडी पहले ऐड कर लेते हैं यानी कि मेरा जो ऐप है प्ले स्टोर पर लाइव है तो इसका यू आर एल पे हम ले लेते हैं ये मेरा ऐप है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे जो भी आपका ऐप है कॉपी कर लीजिए पेस्ट कर लीजिए यहाँ पर तो और इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है तो अगर आपका ऐप लाइव है तो ही कीजिए अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है ओके तो यहाँ पे स्टोर आई डी आप यहाँ से ऐड कर लेंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे अपनी आई डी लेना है यानी कि जो आप ऐड शो कराना चाहते हैं यूनिटी ऐड, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे आपको आ जाना है यहाँ पे लिखा है गेम आई ओके तो यहाँ पे अगर आपका एप्पल का ऐप स्टोर है तो आप एप्पल वाला यूज़ कीजिए अगर आपका एंड्रा गूगल प्ले स्टोर का तो उसको आप यूज़ कीजिए फिलहाल यहाँ पे हम गूगल प्ले स्टोर का जो है ये हमारा गूगल प्ले स्टोर की आई है यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसको आप अपने ऐप में यूज़ करेंगे तो आपका जो ऐड होगा वो शो होने लगेगा ओके तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे यूनिटी एड आई डी यहाँ जनरेट करेंगे तो यहाँ पर बस आपके गेम की जो आईडी है यानी कि ऐप की आईडी बस वही आपकी आपको नीड होती है यहाँ पे अलग से इंटरशियल बैनर जैसे कि एडमो में होता है वो सब करने की ज़रूरत नहीं होती है बस यहाँ पे जो आपकी आईडी है वही आपका एक ही होता है उसी को आपको यूज करना होता है अपने एप्लीकेशन में ठीक है यहाँ से भी आप देख सकते हैं गेम की आई को और इसमें आप देख सकते हैं बाई डिफॉल्ट इतने सारे एड्स क्रिएट होकर आते हैं जो कि ऑटोमेटिक आपके ऐप में शो होंगे यहाँ से भी आप जैसे ही कॉपी करेंगे आप देख सकते हैं दोनों आईडी सेम ही है यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं ठीक है तो ऐड यूनिट से यहाँ पे आके देख लेंगे तो इस तरह से बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया कैसे आप यूनिटी में ऐड को क्रिएट करते हैं यहाँ पे अपनी आईडी फाइंड आउट करेंगे कैसे यहाँ पे आप अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो सारा स्टेप मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर अगर कोई और इशू रिलेटेड अपल्लीकेशन से हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं आई होप कि आपको सारे स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे तो गाइज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक यू